श्रीमान महेंद्र गोयल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज पूरा का पूरा सदन तकरीबन एक ही मुद्दे के ऊपर ज्यादातर बात हो रही है, गंदे पानी की समस्या से, सीवर की समस्या से। ये एक षड्यंत्र के तहत ज्यादा है इस समय में। इस समय के अंदर आकर जब दिल्ली सरकार लगातार 20,000 लीटर पानी हर घर को फ्री में दे रही थी और लगातार 9 साल तक दिया, इस चुनाव के मौके के ऊपर आकर 3 महीने पहले से फील्डिंग रचनी स्टार्ट कर दी। आज कहीं पर सीवर की समस्या पैदा हो रही है, कहीं पे गंदे पानी की समस्या पैदा हो रही है, कहीं पे पानी की सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है। ये समस्या अपने आप नहीं हुई, ये समस्या एक प्रायोजित ढंग के साथ में हुई है, चुनाव के समय में हुई है। 3 महीने पहले से 4 महीने पहले से एरिए से लेबरों को हटा लिया, मशीनों को हटा लिया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पर लगातार 9 साल तक हम हर घर को पीने के लिए 20,000 लीटर पानी फ्री में दे रहे हैं, ऐसा क्या हो गया इस समय के अंदर? सर्दियों के अंदर सप्लाई शॉर्टेज हो गई। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गंदी राजनीति के तहत यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे यहां पर 160 किलोमीटर की लाइन डलनी थी, सीवर की लाइन, जिसके अंदर तकरीबन 152-153 किलोमीटर की लाइन पूरी होगी। 7 किलोमीटर की लाइन वो बची हुई है जहां पर 10 फुट की गलियां हैं। अमृत फंड के तहत यह फंड था, जिसके लिए जो बचत होती है उसके अंदर बाकी के बचे हुए वो काम हो जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके ऊपर भी रोक लगा के वो भी पैसा वापस ले लिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इस सदन को कहीं ना कहीं अपनी आवाज को राष्ट्रपति तक भी पहुंचाए और जनता के बीच में भी यह आवाज आपको लेके जानी पड़ेगी। इस समय के अंदर दिल्ली के अंदर जो खेल चल रहा है बहुत घटिया राजनीति का, मैं राजनीति का ही नहीं, यह घटिया सोच का जिस प्रकार से खेल चल रहा है, यह हमारे ही लिए नहीं उन लोगों के लिए भी नाश के वो बनेगा, नाश करने वाला बनेगा। क्योंकि इस समय में हर आदमी दुखी है। हमारी बहन बेटियां पानी पीती है, मिनट में बीमार हो जाती है, सीवर का पानी उसके साथ में मिक्स कर रहे हैं। मेरे यहां पर बहुत सी लाइनों के अंदर कट्टे फंसा देते हैं सीवर लाइन के अंदर, ताकि वो पानी रुक जाए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, मेरे एरिया के अंदर 7 किलोमीटर की लाइन के लिए मैंने लिख के दे रखा है, जो कि जुलाई से फाइल चले हुई है। हमारे वाइस चेयरमैन ने भी उस फाइल के लिए मंजूरी दे दी, आज तक उसका टेंडर नहीं लगा। माननीय मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी अप्रूवल दे दी, लेकिन आज तक भी वो टेंडर नहीं लगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस समय के अंदर मैंने पहले भी आवाज उठाई थी और बहुत से साथियों ने आवाज उठाई थी कि सुपर सर्कर मशीनें जो जो एरिया में से हटा ली गई उनके लिए फिर से नया टेंडर करें, एरिया के अंदर जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं उनको दिया जाए। और सीएम साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की थी, पहले एक छोटी गाड़ी जो छोटी छोटी गलियों के अंदर भी आराम से चली जाती थी, वो गाड़ियां बहुत
कम हो चुकी है, कोई खराब हो चुकी है। राजेंद्र पाल गौतम जी उस समय में माननीय मंत्री होते थे, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि उस समय में आप लोगों ने सीएम साहब के कहने से वो गाड़ियां लोगों के हितों के लिए दी थी, तो उन गाड़ियों की संख्या भी डबल में होनी चाहिए कम से कम में, तब जाके इस दिल्ली का काम सुधरेगा। नियम 280 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया था, इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज इस सदन के अंदर तकरीबन सभी साथी जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, सीवर लाइन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस पे संज्ञान लेते हुए आप कोई उचित कदम उठाने का निर्णय लेंगे। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।